देखिए बहुत ही जल्द हमारे बहुत मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल यहां आने वाले हैं। आप लोग बच जाए लौंडे, इसको भी बिठाओ और हल्ला कोई नहीं मचाएगा, क्योंकि जब एक कलाकार अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है तो बहुत अच्छे से सुना जाता है, शालीनता से सुना जाता है। वे लौंडे जरा क्या हुआ था, अभी तक आएगा है नहीं, कितनी देर से गला फाड़ रहे हैं हम, कब आएंगे सर? बस वो अंदर आने वाले बस। अच्छा ये बताओ, उनको सब बता दिया था ना कि कौन सी बात बोलनी कौन सी नहीं बोलनी, किसका नाम लेना नहीं लेना, ने पंगा हो जाएगा, बता दिया सर? सर मैंने उनको मेल भी किया, उनका रिप्लाई भी आ गया, आ गया था अंदर आने बस। तो जल्दी आ जाओ, वैसे ही हमको बताओ। तो बस सारे लोग बिल्कुल तैयार रहे, और देखिए हमारे बीच मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी आ चुके हैं, वेलकम है, आइए आइए आइए, ये लो। और सुनील पाल जी ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करो, घुसना है ऐसा दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग कॉमेडियन हैं, वो जहां भी जाते हैं अपनी कॉमेडी करने की कोशिश करते जी तो मैं कुछ हंसी मजाक की बातें पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर। टाइम ना लो, जल्दी शुरू करो, ऑडियंस के पास टाइम नहीं होता है, थोड़ा सब माहौल बनाना पड़ता है ना, थोड़ा सा। ठीक ठीक आप इधर आ जाओ दोस्तों। हंसी मजाक की बातें शुरू होती है, कहीं से भी शुरू होती है, जोक लोती पे कहीं भी पैदा हो जाते हैं, बातों बातों में जोक पैदा हो जाता है। एक बार मैं ना रेलवे की ट्रेन से जा रहा था, चुक 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 सफर करता रहा जा रहा था, एक स्टेशन दूसरा स्टेशन तीसरा स्टेशन, जब आया तो मैंने देखा कि सामने से टीसी आ रहा है, और टीसी ने मुझे टिकट मांगा, तो मैंने कहा कि इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैंने अपनी जेब से टिकट। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप मतलब सरकारी किसी भी प्रॉपर्टी का नाम नहीं दे सकते हैं। मैं जो तो ट्रेन पे सुना रहा हूँ, ट्रेन सरकारी है ना, आप उसका नाम नहीं ले सकते हैं। इसमें ट्रेन का कोई गलती नहीं बता रहा हूँ, टीसी की गलती बता रहा हूँ। टीसी भी तो है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना, सरकारी अफसर है, आप उसका नाम नहीं ले सकते। और आपके पास कौन सी कमी है, आप तो किसी भी सब्जेक्ट बोल सकते हैं ना। तो जोरदार तालियां हमारे सुनील भाई के लिए। देखिए उनकी तरफ से कुछ सम्मान आ जाएगा, रेलवे की तरफ से कुछ ऑपोजिशन आ सकता है, आपको तो बता दें सोशल मीडिया पर किसी बात पर भी कोई भी बवाल हो जाता है, तो मजाक हर चीज का नहीं उड़ा सकते, इनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। खैर छोड़िए, रेलवे का प्रॉब्लम है, सरकार का प्रॉब्लम। हाँ हुआ ये कि एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, सुनते हो जी सुनील जी, सुनते हो जी सुनील जी, अरे सुनील जी खाने में क्या बनाऊं, सुनील पाल जी वेज नॉन वेज किस चीज का पैकेज? सुनील पाल जी पत्नी का नाम नहीं ले सकते हो, पत्नी से काम कराओ ये करो, मतलब महिला आयुक्त वाले आके हमारी जो है ना बैंड बजा देंगे, आप समझते नहीं है, आप पत्नी का नाम मत लीजिए नॉर्मल घर की बात है, पति पत्नी वाली नहीं, पति पत्नी कुछ और सुनाइए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, आप कुछ सुनाइए जरा जोरदार ताली, ताली बजाओ यार, एक कलाकार अपनी बातें बता रहा, तुम लोग मतलब बैठे हो ऐसे, बजाओ ताली। हाँ सुनील जी यार को वुमेन का भी सम्मान आ सकता है, प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, वुमेन राइट्स का भी प्रॉब्लम है, महिला आयोग। चलिए टॉपिक चेंज करता हूं। हुआ ये कि एक बार मैं पंजाब गया, पंजाब में बड़ी शादी, शादी में एक हमारे प्यारे और हैंडसम सरदार जी को देखा, वो भांगड़ा पा रहे थे, ओ यहाँ हूँ यहाँ हूँ, ओ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ, ओ यहाँ हूँ यहाँ हूँ। सरदार का नाम नहीं ले सकते हम शो में, आप समझते क्यों नहीं है? दो सरदार का नाम ना लीजिए, एक पंजाब के सरदार, दूसरे गुजरात के सरदार, चाहे आप कबीले के सरदार का नाम ले लीजिए। अरे कबीले का सरदार है, गुजरात का सरदार, पंजाब का सरदार है, गुजरात का सरदार कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है। अरे हम सरदार सरदार जी की हम तारीफ कर रहे हैं भाई, कि वो कितना अच्छा डांस करते हैं, कितनी अच्छी बात करते हैं, उनके मतलब शाम में शेर भी कहने लगा था कि सरदार जी वैसे तो मनमौजी होते हैं, पर देश में आ जाए, देश पे बात आ जाए तो हर सरदार जी फौजी होते हैं। फौजी फौजी भारत के सोल्जर जवान। अरे सुनील जी क्या कर रहे हैं आप, ये सरदार फौजी ये सब नहीं, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कभी जोरदार ताली बजा भाई सुनील पाल के लिए जी। जी 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 एक बार मैंने मैंने देखा कि बॉलीवुड में किंग शाहरुख खान
शाहरुख खान साहब एक बार करण जौहर से कह रहे थे, नाम नहीं ले सकते, दीपिका पादुकोण से कह रहे थे, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर आगे भी, आलिया भट्ट, नहीं नहीं कोई भट्ट नहीं, महेश भट्ट, कैसी बात कर रहे हैं, रणवीर सिंह, बॉलीवुड का टॉपिक का नाम, सलमान खान का बिग बॉस, सलमान खान, चुप चुप, प्लीज मुझे काम करने दीजिए भाई, मुझे जो बोलने दीजिए, मैं लॉकडाउन के 10 महीने बाद शो कर रहा हूँ यार, मैं मतलब लोग हंसेंगे नहीं तो हमारे घर बसेंगे नहीं, ये हंसेंगे तब तो हमको पेमेंट मिलेगा सब चीजें, आप प्लीज हमको हर चीज में मत रोकिए यार, ठीक है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि प्यार मोहब्बत की बात है, नहीं नहीं प्यार मोहब्बत की, ये फैमिली स्टोरी है, फैमिली सब फैमिली में लोग बैठे हैं, देखिए वो आदरणीय चाची जी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, अरे तो उन्होंने भी तो प्यार मोहब्बत किया होगा, उनका अरेंज मैरिज है, यहाँ नहीं कर सकते, सुनिए जी समझिए, और फिर आपको क्या कमी है, आपका तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, समाज की कुछ और बातें लीजिए, समाज की कोई कड़वी सच्चाई उजागर करिए, जरा जोरदार ताली तुम लोग नहीं बजा रहे, बजा, समाज की तो यही कड़वी सच्चाई है, लव इनके लिए शो है, लव शो में खोए रहते हैं, ये खुद भी शो की तरह लगते हैं यार, ये तो समझ में भी नहीं आ रहे, समाज में भी नहीं आ रहे, कौन सी चीज पे क्या करूं जो मैं, हाँ एक बार हमारे किसान किसान भाई खेती कर रहे थे, सामने दो बैल लगे हुए थे, धरने पे बैठे, मिट्टी के लाल हमारे अन्नदाता किसान, मुझे बताया नहीं था, वो सर बताया नहीं था सर जी को, मैंने मेंशन किया था ना, अरे तुमसे बोला था सारी सारी चीजें आपने दे दी थी, किसान के आंदोलन का नहीं, लेकिन किसान का नाम नहीं ले सकते, किसान अब मैंने बोला था सारी चीजें बोली थी, सुनील जी को मैसेज कर देना इस टॉपिक पे, नहीं तो सर किसान का कह रहा था कि मेरा गांव लोग हमारे ऊपर मुकदमा कर लाल है, प्लीज हमसे हाथ मत छोड़ो, हम लोग करते हैं, सब लोग मैंने बोला था, देख रहा हूं क्या हो सकता है, तुम समझ रहे हो, हमारे पास समस्या का हल है, लेकिन हमारे पास समस्या का हल नहीं हो सकता, सुनील जी नहीं हो सकता, तुमने किसान का नाम नहीं ले सकते हैं, हम लोग नाम नहीं ले सकते, धरना पर बैठे हुए किसान सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर, तुमको बोला था ना सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है बताया था उनको, ठीक है भाई, हां कुछ और बोलिए, ये कह रहे हैं कि धरना मना है, किसान कह रहे धरना जरूरी है, चलिए बॉलीवुड से प्रॉब्लम है, पति पत्नी से प्रॉब्लम है, रीजनल सरदार जी मद्रासी बंगाली, अब आ गया, अब इस पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक बार हमारे प्यारे देश के लाडले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक जगह पर भाषण दे रहे थे, मित्रों क्या तुमने कहा, हमारे देश में जितनी समस्या है, चाहे विदेश क्यों नहीं बताया था इनको, मैंने बोला था ना कि पूरी रेलवे तो स्टैंडअप कमेटी कोई भी आएगा, क्या क्या नाम लेगा, रेलवे का नहीं ले सकता, पति पत्नी नहीं ले सकता, सरदार नहीं ले सकता, प्रधानमंत्री नहीं ले सकता, मुख्यमंत्री नहीं ले सकता, किसी मिनिस्टर का नाम नहीं ले सकता, शाहरुख खान, सब चीजों से कितना बवाल है, हमारे जो स्पॉन्सर्ड है वो बात क्या है, तुम समझ नहीं रहे हो, क्या हो सकता है, हमारा शो बैठ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, क्या हो रखा है, ना पति पत्नी पे कर सकते ना पति पत्नी पे, ना प्यार मोहब्बत पे कर सकते, ना पीएम पे, ना सीएम पे, ना डीएम पे, अबे ना घर पे, ना बाहर, सर हमारी प्रॉब्लम है, आप हमारी प्रॉब्लम समझिए, हम सब नहीं अलाउ कर सकते हैं सर, और आप तो सुनील पाल सर, मेरा आपको सर लिस्ट में सब लिख के देता सर कि सर आपको किस टॉपिक पे बात करना है, आप किस टॉपिक पे नहीं, अब मैं जो टॉपिक छेड़ने वाला हूँ ना वो सर लिस्ट में, उस टॉपिक पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज 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 सर प्लीज, एक बार एक शराबी रास्ते से जा रहा था सर, शराबी उसने कुत्ते को पत्थर मारा, भी उसको पत्थर चलाने लगा, दो कुत्तों की बात कर रहे हैं, एक कुत्ता अलाउ नहीं है, आपने दो दो कुत्ते लिया सर, लिस्ट में नहीं था ये सर, जो लिस्ट पे उसी टॉपिक की बात करिए प्लीज, अच्छा सर मैंने चलिए अब मैं आपकी बात समझ गया, एक आखिरी कोशिश है मेरी, दोस्तों सम्मान करके क्या अपमान कर रहे यार, है ना, मुझे लगा था कि मेरा चेकअप करेंगे साले, मेरे चेकअप करने पे तुम मेरे को चेकअप करवाने पर तुले हुए, अवार्ड देने के बजाय मुझे हॉस्पिटल का अवार्ड देना चाहते हैं, चलो दुनिया पर नहीं अपने आप पे तो जोक सुना सकता हूं, दोस्तों मैं हूं सुनील पाल और मैं अपने ऊपर एक जोक सुनाता हूं, नहीं नहीं सर अपने ऊपर एक इंसान के ऊपर जोक सुनाएंगे, और इतनी सारी चीजें आप इंसान के ऊपर जो सुनाएंगे, आप समझ नहीं रहे सर, मैं अपने सुनाओ क्या सर, ह्यूमन राइट वाले हम पर मुकदमा कर देंगे कि इंसान के ऊपर, इंसान भगवान की बनाई हुई एक चीज,
आप उस पर जोक मारेंगे। सर इतनी सारी चीजें हैं समाज में, आप उनमें से कोई सारी चीजें हैं सर, ह्यूमन राइट वाले हम फिर मुकदमा कर देंगे सर। चलो एक बार मेरे पिताजी आए थे, पिताजी अबे अपने आप पर नहीं अपने बाप पर भी नहीं, एक बार मेरे दादाजी के पिताजी मिले थे, मिले थे सपने में, सपने अबे दादा पे भी नहीं परदादा पे भी नहीं, सर वो तो चले गए ना, आप किसी मरे हुए को आप करो सर, जो स्वर्गवासी हुए उनके बारे में। एक बार मेरे माँ के पिताजी, माँ के नाना जी, क्या बोले सर, गरिमा इस शो के नाना, नाना पे जो नहीं सर, सर बुजुर्ग आदमी है सर, प्लीज सर। चलो नाना पाटेकर को तो सुना सकता हूँ, एक बार नाना पाटेकर, नाना पटक्कर, नहीं नहीं सर, सर बॉलीवुड से है, बॉलीवुड के हम किस, अबे चुप 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 सर, कार्टून सर, सर सर आप कार्टून नहीं बोल सकते इनको सर, नहीं बोल सकते कार्टून को, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कार्टून को मैं कार्टून क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि कार्टून का राइट इनकी खाली बीबी के पास है, वो बोल सकती है इनको, इज राइट। भाभी जी ने तुझे सही पहचाना, मैं जाके उसके चरण छूंगा, भाभी जी घर पे है ना, फास्ट। अच्छा तो करे थे पर आपने इनको बोलने क्यों नहीं दिया, अरे तुम्हें पता है हमारे शो का जो स्पॉन्सर है ना वो बाउंसर बन गया, मतलब आज सुबह ही निकल लिया, पेमेंट कहां से देते, अच्छा इसलिए।